Thank you.
ओम ज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे एक और बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि नमन प्रणाम तथा जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ कि ये हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज ये जिनका भी घर है बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज साधारण दिन नहीं है, आज है एकादशी तिथि। एकादशी आने स्वयं कृष्ण ही एक तिथि के रूप में एकादशी तिथि के रूप में विराजमान है, इसीलिए आज एकादशी तिथि माने कृष्ण के ही दिन, माने कृष्ण स्वयं जिस दिन प्रस्तुत हैं उस ही दिन उन्हीं के ही नाम और कथा को हम लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं इस घर में। ये घर नहीं, आज ये घर तीर्थ हो गया है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में कहते हैं एक बहुत बड़े संत हैं, हमारे आदि गुरु हैं, वो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। वो कहते हैं जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए, बोले जिस दिन घर में ठाकुर जी का नाम संकीर्तन थोड़ी बहुत हरि कथा और हम लोग बैठ करके ठाकुर जी का भी कीर्तन कर रहे थे ना, आनंद आ रहा था ना कीर्तन में, बोला अगर ऐसा किसी दिन हो जाए वो घर फिर घर नहीं रह जाता, वो घर भगवान का धाम बन जाता है। और भगवान का धाम कैसा है, भगवान के धाम में क्या विशेषता है, भगवान के धाम में एक विशेषता है वहाँ अशोक अभय अमृत, वहाँ किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं और अमृत ही अमृत, माने ऐसा फल प्राप्त होगा जो कभी भी नहीं मिलता। इसलिए कृष्ण के चरण में जो बात है वो कहीं भी नहीं है। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत देवी देवता बहुत सारे जगह है, लेकिन ऐसे चरण जहाँ अशोक अभय अमृत प्राप्त हो ये कहीं भी नहीं होता। कितने ही प्रमाण शास्त्रों के अंदर है कि देवी देवता की भक्ति करी अंत में देवी देवता से बोलते हमें मुक्ति दे दो, वो बोलते मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, हम खुद ही मुक्ति नहीं, आपको क्या मुक्ति देंगे, मुक्ति ददाती थी मुकुंद, मुक्ति कौन प्रदान कर सकते हैं, मुकुंद कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, इसलिए जाओ और कृष्ण का भजन करो। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, इसको हम समझना बहुत कठिन है, कि हम बुद्धि से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें तो ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। आप सोच करके देखोगे, आप अपने साथ सामने अपने आंखों के सामने कुत्ता को देखते हो, हैं कुत्ता देखते हो, सुअर देखते हो, इतनी सारी चिड़िया बंदर सब देखते हो, आपको ये नहीं लगता कि हमारे को जितनी सुविधाएं थी इनको नहीं है, सच बात है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले कभी वो नहीं बने, हम सब बन करके आए हैं पहले, 84 लाख योनि के बाद में ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है।
अगर 84 लाख योनि जो है ना ये हम प्राप्त, ऐसा नहीं है कि 84 लाख हो जाएगी तो ये शरीर मिल ही जाएगा, उसमें भी भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसको ये शरीर प्राप्त होता है। कोई सोचे कि भाई मैंने अपने पुण्यों के दम पर इस शरीर को प्राप्त कर लिया तो मूर्ख है। तुलसीदास जी स्पष्ट बोलते हैं कि भगवान ने कृपा करके शरीर हमको प्रदान कर दिया, और क्यों प्रदान किया है, क्योंकि ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे हम लोग निकल पाए। बार बार जन्मना बार बार मरना बड़ी भयावह परिस्थिति है, लेकिन हम लोग संसार में आकर के उसको भूल जाते हैं। माता के गर्भ में इतना कष्ट होता है उसको सहन करना, उसको सोच भी ले अगर हम तो बहुत कष्ट। आप सोच करके देखो, आप खुद ही सोच करके देखो, चलो बच्चा तो छोड़ो क्या महसूस किया होगा, अभी सोच करके देखो कि अगर आपको लेटा दिया जाए बिस्तर पे है और आपकी पीठ में खटमल काटे या मच्छर ने काट लिया पीठ में, आप खुजा नहीं सकते, केवल उस पीड़ा को सहन करना है, कैसा लगे सोच करके देखो। ऐसा सबने सहन किया कभी ना कभी, किया है कि नहीं किया, हाँ या ना बोलो, किया है। और बुढ़ापे में हो सकता है फिर करना पड़े, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये जन्म बड़ा खतरनाक और ये बुढ़ापा अब तो बहुत ही खतरनाक, उसके बीच में फिर ये दो चीज और रह जाती है, क्या व्याधि बीमारियां, जो बीच में शरीर है वो भी ठीक ठाक नहीं चलता, कभी क्या बीमारी कभी क्या बीमारी, कभी महामारी आ जाती है। अभी कोरोना आया था ना, सब कैसे दुबक के घर में बैठे थे, ये आ जाता है। फिर सबका बाप क्या है, मृत्यु, क्या है मृत्यु की पीड़ा कैसी है, एक बिच्छू काटता कितना पीड़ा है, बहुत दर्द है, कई कई एक बिच्छू में लोग मर जाते हैं। लेकिन मृत्यु के समय जब इस आत्मा को जब ग्रास किया जाता है, शरीर से जब निकाला जाता है, उस समय जो पीड़ा होती है, बताया 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द व्यक्ति को होता है, उस पीड़ा में मलमूत्र वो त्याग कर देता है और डर जाता, देखना जो मरता उसका चेहरा देखना, कितना भयावह परिस्थिति हो जाती। हम लोग जब भगवान के गर्भ में आते हैं ना, वहां पे देखना भागवत पढ़ करके देखना, उसको इतनी पीड़ा, बच्चे को उल्टा लटका हुआ है, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री देखा गर्मी का, इतना टेम्परेचर माँ के गर्भ में, उल्टा लटका हुआ है, अंधेरा और छोटी छोटी कृमि वो वहां पर बच्चे को काटती है। और जब बच्चे को थोड़ी समझ चेतना आ जाती है ना, उस समय माँ को थोड़ा खट्टा चटपटा खाने का मन करता है, मिर्ची टीका खाने का मन करता है, वो जैसी टीका खाती है उसकी कोमल कोमल जो खाल होती है ना उस पर जाकर लगता है बच्चा तड़पता है अंदर में, और एक बार बोलते लाख मारा लोग खुश हो जाते, लेकिन अंदर उसकी इतनी खतरनाक परिस्थिति, इतनी कष्ट जब उसको हो जाता है ना, वो भगवान को पुकारता है कि भगवान मेरी रक्षा करो। उसमें कोई कोई गर्भ में भाग्यवान होता है जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है और उसको पिछले 100 जन्म दिखते हैं, वो देखने के बाद में वो सोचता है कि देखो मैंने क्या क्या किया था, आज मैं फिर से आकर के ये गर्भ में फंस गया हूं, इसलिए प्रभु मेरे को क्षमा करना, आपकी बार जब मुझे जन्म मिलेगा ना और मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या करूंगा, केवल आपका। लेकिन पहला सू तो मात गोद में हस हस दंत दिखाए, क्या जैसी माँ की गोद में आता है हस हस के दंत दिखाता है, और कोई बोलता है मम्मी मम्मी पापा पापा, बोले बेटा हम तेरी मम्मी है, हम तुम्हारे पापा है, देखो देखो तुम्हारे भैया, ऐसे करते 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 ये माया उसको फिर से जकड़ लेती है, हम लोग फिर से भूल जाते हैं। भूलिया तो मारे संसार हसिया पे नाना विध व्यथा, फिर से आकर के वही जन्म मृत्यु, पर आगे का भी FD बना रहे, ऐसा नहीं अभी के लिए, आगे जन्मों की भी तैयारी कर ली है कि आगे भी हमारा यही खाता चलता रहे, भाई खाता कहीं बंद ना हो जाए लाला साहब का, ये हमने पूरी व्यवस्था जमा रखी है। लेकिन उसमें भी कोई कोई दयालु होते हैं जो भगवान की प्रेरणा से घर घर जा करके बोलते भाई साहब भूल के बैठे हो, याद करो क्या वचन दे करके गर्भ में दे करके आए थे, क्या बोलो तो भगवान आपका 100% आपका भजन करूंगा, कितना, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब एक छोटी सी कथा सुनो, एक समय एक व्यक्ति बहुत गरीब व्यक्ति, उसके पास में खाने पीने की भी जुगाड़ उसकी नहीं हो पाती थी, तो वो क्या, वो व्यक्ति इतना गरीब हो गया कुछ नहीं हो पाता था, तो पास घर के पास में एक सेठ रहता था, उसके पास बहुत पैसा था, तो सेठ के पास में गया, बोला सेठ आप मेरी मदद कर दो, तो मैं क्या करूंगा, अपना मेरा थोड़ा बहुत खाना पीना चल जाए, मैं आप कुछ भी कर दो। तो वो सेठ, ये कथा ध्यान से सुनो, ये कथा अगर समझ में आ गई ना तो बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ जाएगा।
हम लोग को बोलते ना भक्ति भक्ति करने क्या जरूरत है, खा रहे पी रहे संसार घर गृहस्थी कर रहे, ये भक्ति भक्ति करने का क्या जरूरत है। ये कथा के माध्यम में ये चीज समझा रहे हैं हमको भक्ति क्यों करनी चाहिए। हम कहते ना हम तो खा रहे हम तो संसार में मस्त है, हैं हमें भक्ति भक्ति की जरूरत नहीं। कथा को ये समझाएंगे हम क्यों भक्ति करनी चाहिए, हम कर रहे हैं तब अच्छे से ध्यान दो। तुम्हारे घर में संत लोग आए कुछ देने के लिए, कुछ संत लोग क्या हम ध्यान देकर जाएंगे, ऐसे चीज देकर जाएंगे जो कि पूरा जीवन तुम्हारे बदला हुआ दिखेगा। अभी जैसे जीवन बिता रहे हैं ना, जीवन ऐसे नहीं रहेगा कि दिन पे जीवन प्राप्त होगा, एवं एक भक्त जीवन प्राप्त होगा, देवता से भी श्रेष्ठ जीवन प्राप्त मिलेगा। ऐसे ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं संत आए बजाय नाचे कूदे और चले गए, हम भी जैसे तैसे रह गए, नहीं। संत पारस मणि बताए, ये लोहे को स्पर्श कराने पर सोने बना देते हैं, हाँ लोहे को क्या करते हैं आपको सोने बनाने के लिए आए, कोशिश करो इतना समय में जिसे सोने बन जाए, ठीक है। ध्यान देकर सुनो, फिर मैं पूछूंगा तुम क्या। वो सेठ जी के पास में गया, सेठ जी ने बोला कि ठीक है काम करो, मैं तो तुम्हारी हालत देख करके तुम रहा नहीं जा रहा, मैं काम करता हूँ तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे जिंदगी भर का समाधान हो जाएगा। अभी क्या करूंगा, थोड़ा सा खाने को दे दूंगा तो एक समय की जुगाड़ होगी, है ना, कुछ करूंगा तो कुछ होगा, लेकिन मैं एक ऐसा उपाय बता दूंगा जिससे जिंदगी भर का तेरा काम हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है। सेठ जी बोलते देखो मेरा एक बहुत बड़ा व्यापार है, मेरी बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत बड़ा धंधा है, तू एक काम कर मैं सारा का सारा तुझे दे देता हूँ, अब सब तो मेरा है, अब तुझे क्या करना है तू उसको चलाना और उससे जो भी मुनाफा होगा, है ना, सब क्योंकि सारा तो पैसा मेरा, जो भी मुनाफा होगा उसका 90% मेरा और 10% तेरा। आदमी बोला ये तो बढ़िया काम हो गया, 10% मेरा, अब करोड़ों का बिजनेस है 10% तो बहुत होता है। वो आदमी बोला सेठ जी मंजूर है मंजूर है, आपके पेड़ों में गिर गया, पैरों में गिर गया और बिल्कुल बार बार प्रणाम करके और सेठ जी की जय जय बोल करके चला गया। अब गया तो पहले बार तो आया, एक महीने में एक बार आकर उसको पैसा देना होगा, हिस्सा देना होगा सेठ जी को। आकर के पहले महीने में आया, सेठ जी को 10%, सेठ जी को 90% दे दिया, 10% लेकर के खूब घर बना लिया, सब कुछ बना लिया। थोड़े दिन में काम करते करते उसको लगा कि सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, सेठ जी घर बैठे बैठे 90 ले रहे, सेठ जी मेरे को ठग तो नहीं रहे, सेठ जी लगता ठग रहे। आकर के बोलता बोले सेठ जी आप तो घर बैठे रहते हो और सारी मेहनत तो मैं करता हूँ और आप 90 ले लेते हो और मैं 10। बोला ये तो सही बात नहीं है, आप एक काम करो आप ले लो 80 और मैं लूंगा कितने। सेठ जी बोला आप ले लो 80 और मैं लूंगा 20। इसको सुनकर के सेठ जी बोलते चल कोई बात नहीं बेटा तू 20 रख ले मैं 80 रख लेता हूँ। फिर काम पे लग जाता है, फिर काम करना चालू करता है, सब करना चालू करता है, फिर आकर के बोलता बोले नहीं नहीं सेठ जी ये 20 भी कम है, 20 भी कम है, अब मैं लूंगा 30 और आप लोगे 70। और पहले क्या करता था हर महीने आकर दे जाता था, अब दो दो महीने में आकर दे रहा है 70, समझ रहे पहले, हाँ, अब दो दो महीने में आकर के दे करके जाता है। सेठ जी बोले बोला होशियार होता जा रहा है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद आकर के बोलता बोला सेठ जी मैंने बहुत करके देख लिया आपका, नहीं हो रहा मेरे को पूरा, क्या क्या देखना पड़ता है, मजदूरी देखो वो मजदूर चला गया वो चला गया, आज ये नहीं हो रहा, इनकम टैक्स वाले आ गए, इतना संभालते संभालते मेरे तो सिर पे टेंशन हो जाती है, एक काम करो 50 कितना 50 मेरा 50 आपका। अब सेठ जी देख रहे 50 बोल करके भी 6 महीने से आया नहीं देने, क्या चक्कर है 50 बोल करके आया नहीं देने। फिर उसके बाद में सेठ जी इंतजार करते रहते, फिर आकर के बोलता है, आकर के बोलता है बोले सेठ जी 50 में भी मेरे को तो पूरा नहीं हो पा रहा है, अब एक काम करो अब आप पकड़ो 20 और मैं लूंगा कितने। सेठ जी बोले बहुत बढ़िया बेटा, कल पर मेरे को दे तो जाया कर, तू तो लेट आने लग गया, कभी 6 महीने में आता है कभी या साल में आता है, पता नहीं क्या कर रहा है। सेठ जी से बात हो गई कितना 80 में बात हो गई, फिर ऐसे करते करते 10% पे बात हो गई, कितने पे 10%। और उसके बाद में वो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, आया ही नहीं पैसे देने के। सेठ जी इंतजार करते रह गए कि ये गया कहाँ, भाई पूरा बिजनेस दे दिया सब कुछ दे दिया फिर भी ये तो दिख नहीं रहा है। फिर सेठ जी ने उसको बुलवाया, है ना, उसे खबर पिछवाई, बोला भैया तुम कहाँ रह गए कहाँ चले गए। उसको आकर के बोला, बोले सेठ जी ने आकर के जो आकर के क्या बोलता, बोले सेठ जी अब मेरे तो 10% में भी काम नहीं हो पा रहा, मेरे को तो पूरा ही चाहिए। तो सेठ जी बोले कि मैंने देखो पूरा बिजनेस दिया था सब कुछ दिया था, क्यों दिया था, ताकि तेरा भी काम चल जाए और मेरा भी काम चल जाए, लेकिन तूने तो सब कुछ ही ले लिया
और मैंने कुछ भी कभी बोला? सेठ जी ने कभी कुछ बोला नहीं, उसकी जो इच्छा थी उसी को ही हाँ बोलते चले गए। अब जो ये व्यक्ति था जिसने क्या करा, सहायता मांगने गया था और मांगते मांगते सब कुछ लेकर के बैठा ही, और सेठ जी को बदले में क्या दिया इसने, ठेंगा दिया कि नहीं दिया? अभी बताओ ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कहीं देखा है दुनिया में? और बिल्कुल मैं बता दूं, यहाँ आसपास ही घूम रहा है, पड़ोसी नहीं अपन खुद ही है। और इस ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? कृपण। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? बोलो क्या बोला जाएगा ऐसे व्यक्ति को? क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? बोलेंगे नमक। सही बोला, क्या बोला जाएगा? नमक हराम है कि नहीं? सेठ जी का नमक खाया और फिर क्या करा, हरामी कर दी। तो ये सेठ कौन है? ये सेठ कौन है? ये सेठ सावरिया सेठ, भगवान श्री कृष्ण। और वो जो जो दुखी था, जो बिल्कुल दीनहीन था, वो कौन है? वो हम सब है। भगवान के पास में गए, भगवान ने सब कुछ अवेलेबल करा दिया। सेठ जी ने क्या बोला था कि पूरा मेरे को देना। क्या देना? गर्भ में क्या बोल करके आए थे? पूरा का पूरा सब आपका। लेकिन धीरे धीरे 80-70 है ना, 10% माता पिता को दे दिया, 20% बच्चों के दोस्तों को दे दिया, फिर 30% अपने जाके स्कूल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दे दिया, फिर 50% अपने बच्चों को दे दिया, फिर पत्नी आ गई, फिर उसको तो 70-80% दे दिया, पूरा उसका जॉइंट अकाउंट खोल दिया। सेठ जी का क्या करता चला गया? काटता चला गया। क्या करता चला गया? काटता चला गया, काटता चला गया, काटता चला गया। ये नमक हरामी, ये नमक हरामी हम सब ने करा, मैंने भी करा, हम सब कर रहे हैं। लेकिन अंत में सेठ जी ने कम से कम कितना मान गए? कितना? 10%। इसलिए हमें भी कितना कम से कम देना चाहिए? एक दिन का 10% कितना? 24 घंटे का 10% कितना? ये इतना ही समय लगता है 16 माला करने में। भगवान तो यही मांगते हैं, जो कुछ धन दौलत थोड़े मांगे। भगवान क्या, भगवान का तो इतना सस्ता है, भोजन ही मांगे, जो तो अपना सस्ता है, बहुत सस्ता सौदा है। कर लो। देखो अभी प्रश्न ही उठता है कि भगवान का हमें भजन करना चाहिए, और ये बात कोई साधारण नहीं। ये नमक हरामी हम सबने करी है, इसलिए जो सूरदास जी हैं वो रस खान जी अपने कीर्तन में लिखते हैं, ऐसो नमक हरामी मौसम कुटिल खल कामी, जिसने जीनी दीनी तनु ताने दी विसराई, जिसने शरीर दिया उसको हम भूल करके नमक हरामी ही तो कर रहे हैं। ये शरीर किसने दिया? माता पिता ने दिया है? माता पिता ने शरीर नहीं दिया। अगर माता पिता ने शरीर दिया होता तो उनको पता होता कि हम लड़के को शरीर दे रहे हैं, कि लड़की को शरीर दे रहे हैं, पैदा होगा कि भी नहीं होगा, माता पिता को पता होता है क्या? तो उनके हाथ में नहीं, ये देने वाला कोई और है, उस देने वाले को पकड़ो। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। अब समझ में आ गया कि भगवान का भजन करना है। अब भजन के लिए करे क्या? शास्त्र इतने सारे, जहां जाओ इधर देखो जैन मुनि, उधर जाओ ये पंथ है, इधर जाओ ये मजहब है, इधर जाओ तो आरती करो, इधर जाओ तो ये करो, करना क्या है फिर? इतने सारे रास्ते, इतने सारे सब कुछ, करना क्या है? इसलिए तुलसीदास जी ने एक सरल उपाय एक सूत्र में दे दिया, बस उतना ही करना है। पहले बता दिया कि क्या क्या है। वो कह रहे हैं अल्प तो अवध जीव, माने इस जीव की आयु बड़ी कम है। कितनी है? बहुत कम है, और उसमें बहुत कुछ करना है। उसमें भी दुनिया भर की टेंशन है कि नहीं, आप बताओ? सबके घर में कोई ना कोई परेशानी होगी, शरीर से कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रह तो दास, सबके पास कोई ना कोई समस्या है। इसे तुलसीदास जी कह रहे हैं अल्प तो अवध जीव, ता में बहुत सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ पर काह काह कीजिए, वेद का है पारना, पुराणन का अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए, काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, रस तो रंगीले कहां कहां दीजिए, सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। क्या लेना? भगवान का नाम। भगवान का नाम, और कौन सा नाम? कलयुग में एक ही नाम है, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। हमारे जो पुराणों में वेदों के अंदर हर युग का अपना एक महामंत्र है, इसलिए कलयुग का महामंत्र, जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही करना है, हींग लगे ना फिट करी रंग, यहाँ सब बनिया लोग ज्यादा है इसलिए कुछ भी नहीं लगेगा और रंग बढ़िया निकल करके आएगा। इसलिए सभी लोग अपने घर में इस चूरण को घोल लो, जो भी खा रहे हैं ना कुछ नहीं करना है। एक आदमी था वो बोलता था, बोला साधु के पास में गया, बोला मोटा ऐसा मोटा हो गया खूब, बोला साधु मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता देखो, और वजन कम करना है, वजन कम कर दिया तब मानूंगा साधु, नहीं तो नहीं। साधु ने बोला ठीक है, कोई ना एक चूरण निकाल कर दे दिया, बोला पछता नहीं तभी तो मोटा होता जा रहा है। चारों चूरण निकाल कर दे दिया, बोला जो भी खा उसमें थोड़ा सा मिला लेना। अब क्या करता था, जो भी खाता था उसमें थोड़ा सा चूरण मिलाता था, पेट हमेशा लगा ही रहता था। धीरे 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 क्या हुआ, अब पेट खराब है तो खाएगा कैसे, और धीरे 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 पतला हो गया। पहले महीने में 10 किलो कट गया। बोला साधु कमाल है ऐसे कर। साधु ने बोला खाना बंद मत करना, खाते रहना, और वो खुद ही खाना बंद छा नहीं करेगी। ऐसे करते 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 एक दिन एकदम फिट हो गया, 50 किलो का हो गया एकदम। आकर बोला हाँ पक्के साधु, बोला साधु वाधु कुछ नहीं है, देख चूरण है। इसी प्रकार से ये चूरण क्या है, ये भगवान नाम का, ये भगवत नाम का एक चूरण है। जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि जाएंगे पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे। घर में मंदिर है जो भी, इससे पैसे से क्या करते हैं हम लोग, सबसे मेन काम पैसे से क्या करते हैं, खाते हैं। इसलिए पैसा कमाने क्यों जा रहे हैं, जो भी लाएंगे ठाकुर जी को भोग लगा करके पाएंगे। ये घर क्यों बना रहे हैं, ये घर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस घर में हमारा ठाकुर जी का मंदिर है, इस मेरा छोटा सा संसार है जिसमें ठाकुर जी रहते हैं, वो मालिक है और मैं क्या हूँ, नौकर हूँ। ये बच्चे किसके हैं, ये सब ठाकुर जी के बच्चे, सचमुच में ठाकुर जी के बच्चे हैं। आपका कोई बच्चा नहीं है, बच्चा आपका होगा तो 80 साल के बाद पता चलेगा हेवी की नहीं भगा देते लोग, बहुत मुश्किल हो जाती है, बुढ़ा आवाज लगाते रहता है। एक है ना एक अच्छी स्टोरी है, एक आदमी ने बोला आदमी को कितनी साल उम्र दी थी, कम उम्र दी थी, फिर कुछ कुत्ते से ले ली, कुछ गधे से, हाँ 25, फिर उनकी ज्यादा थी, फिर इनकी 50-50 उम्र थी, कुछ कुत्ते की कुछ गधे की कुछ उल्लू की, है ऐसे करते करते। फिर क्या करता है वो, बोलता है कि आदमी भैया इतनी कम उम्र में कैसे काम चलेगा, तो कुछ 25 उम्र किसकी ले ली, कुत्ते की ले ली, कुछ 25 उम्र उल्लू की ले ली, कुछ 25 उम्र गधे की ले ली, ऐसे करके। तो 25 तो अपनी बढ़िया जीता है, जब हम 25 साल तक रहते हैं ना एकदम बढ़िया, और 25 से जो 50 तक जाती है वो कैसी जाती है, गधे की जैसे। देह नौकरी है, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, ये दुकान वो मकान ये वो बच्चे शादी, किसके तरह जा रहे, गधे की तरह उछल कूद करता है, गधे की तरह। बंदर की तो अच्छी होती है, गधे की तरह उसमें आती है, गधे की तो बाद में आ रही है, वो बच्चों को लाद के चले, बच्चों को। फिर उसके बाद में जब ये हो गया, फिर उसके बाद सुनो, फिर आगे सुनो, फिर उसके बाद फिर आगे की उम्र कैसे निकालता है, उल्लू की तरह निकालता है, नहीं उसकी तरह कुत्ते की तरह, ओ कुत्ते की तरह निकालता है। कैसे, जब बूढ़ा हो जाता है ना तो बूढ़े लोग का एक ही काम है, घर की रखवाली करना, है ना। इधर उधर निकल गए, बोला बड़ी आई मंदिर जाएगी, घर का कौन देखेगा, बच्चे कौन संभालेगा, मंदिर भजन करना है इनको, ऐसे बोल देते बूढ़ों को। मैंने खुद वो देखा, हमारे घर में बेइज्जती होता और ऐसे करते हैं, और वो कुत्ते जैसे चिल्लाते रहे तो बाहर बैठे बैठे जो बूढ़ा बूढ़े होते ना, अब हाथ पैर से तो मोहताज हो गए, अब क्या भजन करेंगे, कुत्ते जैसे बहु रोटी लिया, बहु पानी लिया, हाँ ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद में रात में नींद आना बंद, आधी उम्र उल्लू जैसे निकालता है, जो ऐसे गला फाड़ ऐसे आके फाड़ के एक दिन राम नाम। फिर वही जो लोग जिन जिनके लिए सब कुछ किया था, वो बूढ़े को क्या करेंगे, उसके हाथ पीछे लगा करके ऐसे करके और हथी में रस्सी से बांध देंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, बोला मेरा घर करता था। सबसे पहले किस बिस्तर पे सोता था, छह बिस्तर पे सोता था, उठा के उसको पहले नीचे पटको, सबसे पहले क्या करते हैं उसको उठा के नीचे पटकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसके पीछे सब कारण है, उसकी इतनी आसक्ति सब तोड़ते हैं धीरे 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 धीरे। संसार में जितनी विधि है बहुत सोच समझ के बनाई है, वो आसक्ति में फंसा जीव है, उसकी आसक्ति को क्या करेंगे, वो जीवात्मा सब देख रही है कि क्या कर रहे हैं बच्चे, उसको उठा के नीचे पटक देते, वो देखता है अरे बाप रे मेरा घर मैंने बनाया सब कुछ किया, उन्होंने मेरे को क्या करा, नीचे पटक दिया। फिर उसके बाद में क्या बोलते, जल्दी निकालो उसको जल्दी। फिर सब लोग धीरे धीरे कान में पूछते कितने बजे का टाइम है, ऐसे बोलते हैं, क्यों आगे से रोते रहेंगे पीछे से बोले कितने बजे ले जाना, काम पे जाना है हमको। फिर उसको क्या करेंगे, अर्थी पे बांध करके ले जाएंगे और बोलेंगे राम नाम सत्य,
राम नाम सत्य है। बोला सुनो बुढ़े बाबा, ओ बुढ़ी अम्मा, हमने तुमको बचपन में बोला था तुम्हारे बच्चे बेटा सब सत्य है, दोस्त सत्य है, स्कूल कॉलेज नौकरी धंधा सब सत्य है, सब झूठ बोल रहे थे हम लोग। हम बताओ सत्य क्या है? क्या सत्य? राम नाम सत्य है। बूढ़े से गोपाल नाम सत्य, बोल बूढ़े, बोलेगा राम नाम बोलेगा, वो आरती चलती रहती हूँ करता रहता नहीं बोलेगा। क्या बोलता है? क्योंकि उसका क्या करते सब बांध देते मुंह छोड़ देते, देखा है उसका सब बांध देते क्या मुंह छोड़ देते, बोलते क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा, बोला बोल राम नाम सत्य है, बोला नहीं अभी भी नहीं बोलूंगा। फिर ऐसे ले आकर उसको अर्थी पे उसको सजा करके लेटा देते हैं, फिर उसके मुंह में आग मा देते हैं, देखा है मुखाग्नि देते हैं ना, वो उसके बेटे से दिलवाते हैं। वो देखता है कि मेरे बेटा ये देखो क्या कर रहा, उसका घी का लोटा जला करके ऐसे करके उसके मुंह में चट करके उसका खोपड़ा फट जाता है। और इस प्रकार से इतना सुंदर जीवन जी करके व्यक्ति मुखाग्नि देते हैं, आपको पता है क्यों मुखाग्नि देते हैं? इसलिए मुखाग्नि देते हैं कहते जिस मुंह में तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान से कसम खा करके आया था भजन करोगे, भजन तो किया ही दिन भर उल्टा पुल्टा अगड़म बगड़म दिन भर भगवत किया, इसलिए जिस मुंह भगवान तुमको मानव शरीर दिया था 84 लाख जीवन में एक बार जीवन मिला, इसी जीवन में तुम भगवान का नाम जप कर सकता था लेकिन तुमने भगवान का नाम नहीं, दिन भर संसार की बात बके इसलिए मुंह में आ गए, उसको तुम्हारे मुंह में आ गए। लेकिन हमारे वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं देते, चरण में देते। बोले क्यों? बोले तुमने इसी मुंह में भगवान का नाम देवता है, बोले ये देवता अग्नि भी तुम्हारे चरण को नमन कर रहा है क्योंकि ये जीवन पाकर तुमने भगवान की भजन भगवान की भक्ति, इसलिए हमारे वैष्णव जगत में मुखाग्नि नहीं देते उनके चरण में अग्नि देते हैं, ये नियम। इसलिए भगवान इस सारी कथा का जो सार है भगवान का नाम ही इसका सार है। अगर भगवान के नाम जप कर लिया तो समझो हमने संसार का सारे काम कर लिया। अगर संसार के तुमने सारे कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए, भगवान के भजन नाम नहीं किया, लास्ट में गोल आलू जीरो जीरो पूरा संसार का। इसलिए अंतिम समय में इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। जितने प्रभु का नाम लिया वही जा रहे, और तुमने अगड़वा गुबड़ा जितना इकट्ठे तुमने किया जो कुछ किया बोले झूठा भी बिताया। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम जीवन में मिला क्या तुमको, बोले बस तू अमोल को दी मरे सदगुरु कृपा करे अपना यो पायो जी मैंने क्या मिला जीवन में, जितने प्रभु का नाम कोई मिला जगत में सब ही खोवाए संसार में सब गए, समझ रहे कि नहीं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते सौ काम छोड़ करके अपना खोजन करो, हजार काम छोड़ कर अपना काम धंधा करो, और करोड़ों काम को पीछे रख लो पहले भगवान को भजन। हमारे बड़े गुरु जी कहते इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके जिसको हम कर्तव्य मान रहे हैं संसार में, हमारी पत्नी के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, पिता की कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारी, तुम्हारी एक कर्तव्य है भजन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, भगवान गर्व से तो यही बोल करे आए भजन करने के लिए, तो यही तो बोल करे आए था ना, लेकिन उल्टा काम ही तो लग पड़ा, जो काम करने के लिए उसको तो पीछे रख दिया, उसको बेकार मानकर पीछे रख दिया, और जो करने नहीं करे उसी को पीछे तुम्हें लग पड़े, ठीक है ना। इसलिए क्या करो सवेरे नहा धो करके माला में, माला है कि नहीं है, माला ली ना, इससे भी ढीला देना, ये कौन है हाँ, इसलिए तुम भी आकर मंदिर में माला ले आना, ठीक है ना। इसलिए खुद भक्त करो, भजन करो सवेरे उठ कर नहा धो करके हरिनाम करो, भजन करना सबसे पहले, सारे काम को पीछे रख लेना, ये होता रहेगा, तुम नहीं करोगे तो और कोई कर लेगा, लेकिन भजन किसी जीवन के बगैर प्रभु का भजन नहीं होगा। और अंतिम समय में जाएगा भी यही, एक और कुछ जाएगा नहीं, पहले लोग क्या करते थे बताओ, तुम्हारी मैया को देख लो, तुम्हारी मैया को यही करते थे ना, सवेरे जल्दी जल्दी उठ जाते थे, ठाकुर का स्नान कराया करते थे, ठाकुर का आरती उतारते थे, ठाकुर को भोग लगाते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता हमारे, अब देखो आपको पूर्वज लोग क्या करते थे, यही तो करते थे ना, क्योंकि उसको सारी बात पता। लेकिन हम सवेरे उठते चाय मांगो और स्मार्टफोन लेकर बैठ जाओ स्मार्ट हो जाओ। इसलिए पहले लोग जो करते थे इसलिए वो बड़े सुखी रहते थे, पहले का लोग इतना टीवी स्मार्ट, लेकिन उनको जो मानसिक शांति बहुत रहती थी, लेकिन अभी मानसिक शांति नहीं, भले रुपया पैसा टीवी फिर भी सारा दुनिया हो गया, लेकिन जो मन का जो शांति नहीं है, लेकिन पहले लोगों का मन की शांति रहती थी। क्यों? गीता रामायण पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, भजन करती थी। इसलिए अगर हम भी जीवन में चाहते हैं सुख रहे, एक उदाहरण दिया,
जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता है, लेकिन वो तोते को हम खाना नहीं खिलाए, दिन भर केवल पिंजरा को पेंटिंग कर दे रहे हैं। बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा ना। हम भी यही कर रहे हैं, शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, इसको बढ़िया साबुन से साफ कराओ, इसको जिम में ले जाओ, इसको चबन प्रास खिलाओ, लेकिन जो तोता बैठा हुआ ना उसके लिए कुछ नहीं, तो मर ही जाएगा फिर, तोता तो खत्म हो जाएगी। वो तोता कौन? वो आत्मा है, उसका आहार क्या? भगवान की भजन है, भगवान की भक्ति है, अगर उसको नहीं खाओ खिलाओ तो मरे खत्म हो जाएगी फिर, है? इसलिए क्या करना, क्या करना? भजन करना। सवेरे उठ करके करोड़ों काम को पीछे रखो, तुम नहीं करोगे तो और कोई कर लेगा, वो अपने आप होगा। कोई सोचते ना नहीं मैं नहीं रहूंगा तो मैं होगा नहीं, हमारे बढ़िया से काम चलेगा। जो सोच रहे हो मैं नहीं रहूंगा, मर जाओ, बढ़िया से काम चलेगा। हमारे के भक्त है, उसका चार 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 बेटी या तीन बच्चे थे, उसको पिताजी काम ऊपर मर गए बड़े, लेकिन वो प्रभु की भक्ति करते थे। ए बढ़िया बच्चे, एक से एक बढ़िया काम कर रही बेटियां, एक से एक अच्छे पोस्ट में, सब पोस्ट में। इसलिए हम सोचते हैं ना हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं, ये सब काम चलते रहेगा, लेकिन प्रभु का भजन और किसी जीवन में भजन नहीं होगा। इसलिए सारे काम को सवेरे उठ कर सारे काम को पीछे कर दो, जितने कर्तव्य मानते हो जीवन जीवन में, वो कोई भी तुम्हारे काम में आने वाले नहीं, कोई भी काम में तुम्हारी नहीं आएगी। देखो इस संसार में अक्सर करके हम जो काम करते हैं ना दूसरों को खुश करें, है ना कि नहीं? अपना लिए बहुत कम करते हो, कैसे बेटे को खुश रखे, कैसे पत्नी को खुश रखे, कैसे पिता को खुश रखे, कैसे सास को खुश रखे, ससुर को खुश रखे। हम आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अभी तुम्हारे ऊपर कोई खुश है क्या? बोल दो, बोल दो। पीछे चुगली करते हो तुम्हारी, सब पीछे चुगली करते हो तुम्हारी, है? किसी को खुश नहीं कर सकते हो दुनिया में जिसके काम में लगे हो, लेकिन भगवान के लिए सुदामा दो मिट्टी चिड़वा दिया ठाकुर को, त्रिभुवन राज्य दे दिया, भगवान के अंगुल कट गई, द्रौपदी थोड़ा बैंडेज कर दी, बोले तुम्हारे इसका ऋणी कब मैं चुका? एक ऋणी भरी सभा में लाद जा रही थी, जिसको पांच पांच पति हैं, किसका था? एक पति हो तो छाती फुलाकर चलती हमारे पति, जिस समय बड़े से बड़े अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, ये सब कोई काम में नहीं आए। महाभारत देखे कि नहीं? जब भरी सभा में लाद जा रही थी, कोई बचाया? कोई नहीं बचाया, किसने? हाँ, ये चीज को समझो, दुनिया में कोई काम तुम्हारे नहीं आएंगे जिसको मेरे 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 कह रहे हो, है? कोई भी काम काम करो, ठाकुर आएंगे, ठीक है ना? सवेरे उठ करके सबसे पहले माला जप करना, ठाकुर की पूजा करो, माला जप करो, उसके बाद में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, घर को भगवान का मंदिर मानो, पत्नी को ठाकुर का सेविका, अपने आप को हम भगवान के बच्चे हैं, घर ठाकुर जी का है, जो खाना बनाते हो सबसे पहले किसको भोग लगाओगे? ठाकुर। प्याज लहसुन खाती हो? सही बोलो, मतलब कम हो गया पहले से। हाँ, प्याज लहसुन छोड़ देना, कम हो गया जी। कम नहीं, पूरा छोड़ देना। संत लोग घर में आए, संतों को कुछ भिक्षा देनी जाएगी नहीं, हमारे झोली में प्याज दे दो। हमारे झोली में प्याज दे दो, मतलब आज से ये प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, क्योंकि ये चीज ठाकुर को भोग नहीं लगेगा ना। सबसे पहले देखो, जैसे खाओगे अन्न वैसे मन का मन, अगर तुम खाना नहीं शुद्ध करोगे ना तो मन कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती, भजन में लगेगी नहीं। प्याज लहसुन खाते रहोगे, वो तो तामसिक वस्तु है, वो गैया का मांस से प्याज बना है, गैया का हड्डी से लहसुन बना, जिसे नवरात्रि में उसको 9 दिन तो कोई खाते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं, ऐसे नहीं 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा कर मुर्गा मुर्गा। इसलिए जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। पहले हिंदू घर में नहीं चलता था, इसको सब मुसलमान खाते थे, सारे मुसलमान खाते थे, ये मुगल लोगों ने प्याज लाए हैं, हिंदू लोग तुम्हारे घर पिता माता को देखो, घर से पहले ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति करते थे, कोई नहीं खाते थे प्याज लहसुन, इसमें मुसलमान लोग लाए, ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन हमें मुसलमान बना दिया, हमारी कोई धर्म उन लोगों ने नहीं लिया, लेकिन हम एक एक करके उसकी फिर प्याज लहसुन फिर अंडा खाना शुरू करते थे, हैं? फिर उसके बाद में मांस खाना, फिर मछली खाना, है ठीक है ना? ऐसे प्याज लहसुन घर में नहीं लाना, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, भजन करो, इसको ले आना मंदिर में, माला ले आए, ठीक है? तुम भी आकर के माला ले आना, और एकादशी व्रत रखो। रखते हो एकादशी व्रत? बोलो, आज भी रखे हो? अब तुम लोग रखते कि नहीं? बोलो, बोल रहे नहीं? देखो सुना, तुम लोग भक्त हमारे मंदिर में आते, जो एकादशी व्रत है ना, कहती ये सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत, कौन सा व्रत है? कल्पतरु मतलब होता है, मतलब जिसको नीचे बैठ करके आप जो मांगो तुम्हें वही दे देगा, इसको कहते हैं कल्प वृक्ष। हर एकादशी का अलग अलग नाम है, इसलिए
एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिनको घर में पुत्र नहीं होता है, जिनके घर में पुत्र नहीं होते हैं, जैसे नंद बाबा का पहले पुत्र नहीं था, उन्हें एकादशी व्रत का पुत्र कृष्ण जन्म हुआ। पढ़ करके देखो, नंद बाबा का कोई पुत्र नहीं था, पुत्रदा एकादशी पुत्र हुआ। एक का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिसको घर लक्ष्मी कामी है कहते वो इंदिरा एकादशी का, घर में माँ लक्ष्मी कृपा होती है। एक का नाम अन्नदा, अन्नदा मतलब जिस घर अन्न शस्य की कामी है वो एकादशी का घर में अन्न आएगा। एक एकादशी नाम मोक्षदा, उसको करने से जी संसार से मुक्ति मिलेगी। एक का नाम पापमोचनी, जिसको करने से पाप नष्ट हो जाएगा। एक का नाम विजया, जिसको करने से तुम्हारी सब जगह विजय होगी। अब पढ़ करके एकादशी देखो, हर एकादशी का अलग अलग है। 15 दिन में एक एकादशी, इसलिए एकादशी का दिन अन्न में ये गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, ये सारे पाप अन्न में रहते हैं। एकादशी का दिन जो अन्न खाते हैं उनको सारे पाप भुगतना पड़ता है। जैसे सोमवार मंगलवार अगर नहीं करोगे ना तुम्हारी बुरा कित नहीं होगा, लेकिन एकादशी व्रत नहीं करोगे तुम्हारी नष्ट है। उस दिन अन्न में ये सारे पाप रहते हैं, इसलिए सारे व्रत का कहते हैं, कहते पृथ्वी का जितने सारे व्रत एक तराजू लेकर एक तरफ रख लो उसका फल, दूसरे तरफ तुम एकादशी रखोगे ना देखोगे एकादशी का पल्ला भारी पड़ेगा, क्योंकि एकादशी व्रत का जो देवता ये स्वयं भगवान राम कृष्ण विष्णु है, हैं? अगर भगवान कृष्ण खुश हो गए सब खुश हो जाए, ठीक है। इसलिए कोई व्रत रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि 15 दिन में एक एकादशी आती है, एकादशी व्रत रखा करो। देखो एकादशी का दिन हमारे मंदिर में तो बाबा लोग भाई एकादशी गवाए, क्योंकि रोज रोटी सब्जी खाते हैं, एकादशी का दिन फ्रूट क्रीम बना देते हैं, कभी पकौड़ा फूट कर पकौड़ी बन जाती है, मखाना का खीर बनी जाती है, फ्रूट सलाद बनी जाती है, बाबा लोग हमारे मत को एकादश कब आएगा। इसलिए इतना बढ़िया तुम प्रसाद बना कर जो खिलाओ ना, पूछते रहे तुम्हारी एकादश कब आएगा, रोज रोज वही रोटी सब्जी खिला रहे हो, है। इसलिए एकादशी का इतने महिमा है, कहते एक समय तो कोई पति पत्नी को लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई सवेरे सवेरे, इतने में पत्नी ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, पत्नी ने कहा बनाओगी तो तू खाओगे, बनाओगी नहीं, लड़ाई हुई सवेरे सवेरे, अनजान में उनकी एकादशी हो गई, अनजान में निर्जल अगले जीवन में राजा रानी होकर जन्म लिए, राजा रानी होकर गई। अधेना घर में अगर पति पत्नी लड़ाई हो जाए ना, 2-3 दिन तक एकादशी चलती रहती है। इसलिए अनजान में भी इतना इसका पुण्य है, अगर जान बुझ कर करोगे तो सोच नहीं सकते इसकी इतने पुण्य है। लेकिन कोई कुछ लोग कहते नहीं उद्यापन करना पड़ता, नहीं भक्ति जगत में कोई उद्यापन न करना, जब तक शक्ति तब तक करो, जब तक नहीं मत करो, है, जब तक समर्थ है तब तक एकादशी व्रत रखा करो, ठीक है ना। एकादशी व्रत करना, हरिनाम करना, गले में तुलसी कंठी पहना करो, है, तुलसी गले में ये लक्ष्मी साख्यात है, गले में तुलसी कंठी मतलब कहते लक्ष्मी नारायण का निवास है, है जी, जम महाराज स्वयं कहते हैं जमदूतों को, जिनके गले में तुलसी कंठी देखोगे समझ लेना ये मेरे भक्त है, भगवान की भक्त है, जो तिलक लगाते हैं गले में कंठी धारण करते हैं समझ लेना कि भगवान की भक्त, उनको मत मेरे पास मत लाया करो। तुलसी में बहुत कुछ मेडिसिन है, जो करुणा आई थी ना तुलसी पत्ता, अगर बोले 2-3 तुलसी पत्ता खा लो कभी उसको, कभी ये करुणा अटैक नहीं करेगा। कि जब मोबाइल में ये होता है ना, क्या होता है इसमें, रेडिएशन होता है उसमें, अभी आया था बोले उसको पीछे 3-4 तुलसी पत्ता रख दो वो नहीं आएगी, उसमें इतनी शक्ति, जहाँ तुलसी की पौधा रहती है आस पास में कोई बीमारी फटकती नहीं। कभी पृथ्वी का सारे तीर्थ स्नान करना, गले में कंठी धारण करते हुए जो स्नान करते हैं, पानी सारा शरीर में जाकर सारी बीमारी चली जाती है, सारा शरीर से बीमारी चली जाती है, हैं? कहते सारे तीर्थ में नहाने का फल प्राप्त होता है, इसमें इतने शक्ति है तुलसी कंठी में, हैं? ये तुलसी कंठी कोई लकड़ी नहीं, अभी साइंटिस्ट ने रिसर्च कर कितने कितने मेडिसिन, अब दुकान से अगर मेडिसिन ढूंढना जिसका नाम तुलसी पावर, कहना 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ, रामदेव बाबा की दुकान में देखना तुलसी की जूस बिकता है, कितने बीमारी का नाम से नष्ट होता है। पहले भी तुलसी कंठी की बड़ी महत्व है, तुलसी कंठी भाई ना हरि नाम करो, भजन करो और जीवन में सुखी रहो, ठीक है। तुलसी वृंदावन आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। देखो इन्होंने जैसे अपना घर में भक्तों को बुलाया, तुम लोग जो नए आप लोग भी घर में बुलाया करो, घर में जो भक्त लोग आते हैं, घर में हरि कीर्तन हो, भगवान का नाम होता है ना, कहते हैं मंगल भवन हर का सारे अमंगल चली जाती है। और जिस घर में सत्संग प्रभु का नाम होता है, भागवत कहता है सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग, जहाँ पर ठाकुर जी की कथा हो गई, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ, गंगा जमुना सरस्वती चारधाम अयोध्या मथुरा सब उसको घर में आ गए, उसके घर में सारे
धाम आ जाते हैं जिस घर में सत्संग हरि कथा होती है। और एकादशी का दिन हम लोग बड़े पुण्यात्मा होते हैं, एकादशी का दिन भक्तों को बुलाए घर में कीर्तन किया, इसकी बहुत महत्व है, बहुत आप सोच नहीं सकते हो इसका कितने पुण्य है, इसकी इतने भक्ति है। एकादशी का दिन घर में संत लोग आकर के हरि कथा कीर्तन करे, बड़े भाग्य से मिलता है। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर को बस माला नहीं, मंदिर में आ जाना, आकर के माला ले आना और खुद भी भजन करो और अपना बच्चों को भी भजन कराओ। जिनके बच्चों को पढ़ाई मन नहीं लगता है, बच्चे इधर उधर जाते हैं, उसको प्रभु का नाम जब कराओ देखना मन शांत हो जाता है, पढ़ाई में मन लगती है, फिर बच्चे उल्टा रास्ता में नहीं जाएंगे, गलत रास्ता में नहीं जाएंगे। और हमारे ये प्रभु जी बैठे हुए अब जो कथा सुना रहे थे ना, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका तनखा 1,00,000 रुपया थी, लेकिन यहीं पर बैठे बैठ कर लॉकडाउन से काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए सेमिनार देते हैं। अभी सेमिनार 2 दिन हुई है, शनिवार रविवार भी 2 दिन उन्होंने सेमिनार बच्चों को दिया, बच्चे का पढ़ाई कैसे बढ़िया हो, बच्चे के अंदर में भक्ति की भावना आए, पिता माता को आदर करे, सबको गुरुजन को आदर दे, भगवान की भक्ति करे, गलत रास्ता पर नहीं जाए, इसलिए इसी विषय पर सेमिनार अभी उन्होंने दिया, 2 दिन दिया। अभी हम एक महीना में हम लोग अभी शनिवार इतवार को बच्चों के लिए सेमिनार देते हैं, पर बच्चे लोग आते रहते हैं इनको पास में, उनको भी अच्छी अच्छी बात बताते, इसलिए आप लोग भी ये तो देखो सब बच्चे सब आते रहते हैं, सब मंदिर में आते, तिलक लगाए, भजन कर रहे, पढ़ाई भी कर रहे, तो सब बच्चे लोग मंदिर में आते, इसलिए आप लोग बच्चों को लाया करो। ठीक है ना, बच्चों को लोग घर में भी बुलाओ, बुलाएंगे तो हम भी बच्चों को समझाएंगे, भक्ति करे, भजन करे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो। Yeah.
श्री श्री गुरु रंगान भैरवी विदन जय भैरवी जी की जय। जय श्री राधा रमण भैरवी जी की जय। जय जय तुलदा प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तुत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय। जय तुलदा प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तुत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिगुण गोस्वामी महाराज की जय। जय तुलदा प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तुत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय तुलदा प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तुत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय तुलदा प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तुत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान की गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव की जय। जय तिलला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पाद की जय। गोस्वामी महाराज की जय। ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। वैष्णव आचार्य श्री भद्रदा कृष्ण प्रभु की जय। जय श्री विष्णु श्री ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु की जय। जय श्री गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री क्षण गोस्वामियों की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि गौरपाशुद की जय। नाम आचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तन की जय। श्री नवदीप धाम की जय। मायापुर धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोपवर्धन द्वादश गुणात्मक शिवज मंडल की जय। द्वादश कुंड की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। विघ्नाशन भगवान नरसिंह देव की जय। चारों धामों की जय। चारों आचार्यों की जय। चारों परंपराओं की जय। आकर पटरा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़े वेदांत समिति की जय। श्री गौड़े मठ की जय। श्री रूप सनातन गौड़े मठ की जय। श्री रमन बिहारी गौड़े मठ की जय। श्री राधा गोविंद गौड़े मठ की जय। देवनंद गौड़े मठ शाखा मठ समूह की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री हरि नाम महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय। एकादशी तिथि की जय। प्रोत्वासी भक्त वृंद की जय। लोक वंदे हरि हरि बोलो। अब ध्रुव तो काम है ये ऊपर ये ऊपर ऊपर बजाता है। अच्छा है कुछ पहले इसने कम दिन में हमने काम चला दिया। बढ़िया हो गया काम। अच्छे अच्छे कलाकार को फेल कर दिया। बहुत बढ़िया। तुम भी थोड़ा सीख लेना। आज ही क्या इतना कम दिन में आगे सीख गया। तुम इतना दिन से आ रहे हो। सब रोज 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 एक एक बोर्ड ले लेना है जो ना इससे सीख लेना।